नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेडिंग अड्डा पे, जहां पे आपके लिए एक बार फिर से एक ऐसा शानदार स्टॉक लेकर के आया हूं जो आने वाले फ्यूचर में आपको लाखों नहीं बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में तब्दील कर देगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। और इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप सबसे एक ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस खुद से जरूर कर ले, उसके फंडामेंटल्स को जरूर देख ले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो शानदार स्टॉक लेकर के आया हूँ उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी का एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर को अपने लिए अगर एक विंड मिल इंस्टॉल कराना है और उस विंड मिल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसे वो अपने ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए टाटा मोटर्स क्या करेंगे, वो सुजलॉन के पास जाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, और उसके बाद टाटा मोटर ने जो भी रिक्वायरमेंट्स बताया है उसके अकॉर्डिंग सुजलॉन प्लान करेगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, और वो एंड टू एंड पूरे तरीके से विंड प्रोजेक्ट को टाटा मोटर्स के लिए इम्प्लीमेंट करके देगा। और अगर बात की जाए सुजलॉन की रिवेन्यू की, तो सुजलॉन के मल्टीपल रिवेन्यू स्ट्रीम्स है जो मेनली विंड एनर्जी सेक्टर से ही कनेक्टेड है, लेकिन इस कंपनी का जो 99% रिवेन्यू है वो दो वर्टिकल से आता है। पहला है प्रोडक्ट वर्टिकल, जहां सुजलॉन विंड टरबाइन जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, और सुजलॉन का दूसरा बिजनेस वर्टिकल है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जहां पर टाटा मोटर सुजलॉन के जरिए एक विंड प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाता है, और विंड प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाने के बाद ये प्रोजेक्ट अपने आप ही नहीं चलता है, इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस को सेपरेटली हैंडल करने पड़ेंगे, और ऑपरेशंस में तो इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी का वेयर एंड टेयर होता ही रहता है, या टाइम टू टाइम कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आती है जिसके वजह से इससे सेपरेटली मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर टाटा मोटर चाहे भी तो इसे खुद से मेंटेन नहीं कर सकता है, बल्कि इस काम के लिए वो सुजलॉन को हायर करेगा और सुजलॉन कुछ फिक्स्ड फीस चार्ज करेगा, जिसके बदले सुजलॉन इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस खुद से टाटा मोटर के लिए सेटअप करके देगा। तो इन दो वर्टिकल से सुजलॉन का 99% ऑफ रिवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों, आइए अब एक नज़र इसके फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है और इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो बात की जाए अगर इसकी मार्केट कैप की, तो 9877 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का करंट प्राइस अभी 18.15 रुपीज़ चल रहा है, जिसका बुक वैल्यू ज़रूरी नेगेटिव में है, बट इसकी ROCE काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी 56% है और सेल्स ग्रोथ भी 72% देखा गया है, और पिछले बाउंड भी हाई की बात की जाए तो इसने 12 रुपये तक का हाई लगा चुका है, और इस कंपनी के काफ़ी अच्छे फ्लोज देखे जा सकते हैं कि इसने पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे डिविडेंड दिया है, और साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने डेटर्स को बहुत हद तक रिड्यूस किया है। जहाँ तक बात की जाए अगर पिछले 2019 में, तो इसके ऊपर जहाँ 14,000 करोड़ का कर्जा था, वहीं 2022 तक इसे रिड्यूस करके 3200 करोड़ तक किया है। बात की जाए इसकी पीयर कंपैरिजन की, तो हेवेल्स इंडिया और BHEL और क्रॉम्पटन और हिटैची एनर्जी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इसकी पीयर कंपैरिजन की जा रही है। साथ ही अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए, तो साल 2019 से ही देखा जा सकता है कि इसने रेगुलरली अपने सेल्स एक्सपेंसेस के साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी काफ़ी ग्रो किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारा आज का रिव्यू, आज के लिए बस इतना ही। हमारे अकॉर्डिंग सुजलॉन एनर्जी में अभी इन्वेस्टमेंट करने से आने वाले फ्यूचर में बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक वीडियो थी। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में अगर निवेश करना हो तो एक बार उसके फंडामेंटल्स खुद से ज़रूर चेक कर लें,
और शेयर मार्केट में उतना ही निवेश करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।